जनाजा पढ़न लग्या वो कहंदा कि जो मैं मंजी उठाई है तो मेरे अगे लत कीती है। पहले कार मैं मंजी चुकी है इस जगह ते ऐसी जगह जिथे के बंदा बड़े तो बड़ा जालम नाम का बंदा जरा चेयरमैन का भतीजा उसने फैसला दो जड़े ने लगे ने और तीन जड़े ने कपड़ों कम अज कम साड़ी आवाज़ जिन्हें असा भी 35-40 साल लुटा छड़े ने वोट देंदे हो और साडा भी कुछ हक बनता है कि साढ़े ना इन्नी जुलम और जान सामने सामने बा के साड़ियाँ गल्लां सुन लैन अगर ये सच्चा है तो असी माफ़ी मांग लाँगे। इतनी लम्मी हो गई है कि जी इतनी दिन दाड़े का वाकया सफ़दर महमूद सिद्धू नाल तलक है और जिन्हें खोजां विच वोट है ने ना चौधरियां दे और सिर्फ सफ़दर महमूद सिद्धू दी असी रिक्वेस्ट करनी चाहते हैं कि साड़ी दाल रसी की जाए। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना 50 के इलाका खोजियांवाला में, जहाँ कुछ दिन पहले एक फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें एक बंदा ज़ख्मी भी हुआ। मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ, आइए उन्हीं से पूछते हैं जिनके साथ ये वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जड़ा वाकया है ते बारे च कुछ दसो आवाम नू के किंज वाकया पेश आया, की होया सी? सर वाकया इंज पेश होया कि आतफ नाम जड़ा है मेरा भतीजा लगता है, इन्हां दी गुआंढ चाची लगती सी, वह फौत हो गई, उहदे जनाजे वास्ते गए। ये दूजा ग्रुप जेड़ा निसार ग्रुप और वो छड़िए सारे उत्थे मौजूद सन जनाजे दे उत्ते। जनाजा पढ़न लग्या वो कहंदा कि जो मैं मंजी उठाई है तो मेरे अगे लत कीती है। पहले कुछ रंजिश है सी, पहले भी 2011 में फायर किए निसार पार्टी ने और उहदे च भी बाल बाल बचा जिहदे विच के दरखास्त भी हुई। दरखास्त तुहाडे खिलाफ हुई है उन्होंने? जी उन्होंने बर खिलाफ हुई और फिर इसने माफ़ी मंगी और राजीनामा आया। उसने आख्या कि इस तरह कर, वै तू मेरे अगे लत्तां ना कर, मैं मंजी चुकी है इस जगह ते ऐसी जगह जिथे के बंदा बड़े तो बड़ा जालम ही मोमन हो जाता है। लिहाजा उन्हें एक प्लान बनाया से, प्लान के मुताबिक जिस वे उत्थे कबर उत्ते फिर गए, जाके लाश नूं दफनाया। दफनाण तो बाद ज्यों ही और निकले ने ये पार्टी उत्थे खड़ी है, वो गल पै गई उत्थे। हरबजीत चा काफ़ी सन उन्होंने उन्होंने छड़ाया छुड़ोया, वो उत्थों निकले और उन्होंने दुकाना ने पिंड दे नाल ही पिंड दे विच ही जिथों इन्हें अपने घर वाल जाना सी उन्होंने दुकाना दे विच वो आके ते खलो गए ने। ज्यों ही ये आतफ और एक दिन अपराणा उत्थे पहुँचे ने तो उन्होंने रोक लिया और सिकंदर नाँ का बंदा जरा चेयरमैन का भतीजा उसने फायर शुरू कर लेने। दूजे जड़े बंदे ने उन्होंने फायरिंग ज पिस्टल कट लैन कि कोई बंदा और नेड़े ना आवे। उसने फायर मारे ने, 5 फायर मारे ने, 2 जड़े ने लगे ने और 3 जड़े ने कपड़ों विचों दी लग गए ने और उस तो बाद वो नस नुस गए ने। इन्ना चाहे अस्पताल लै गए ने, असी भी गए, पता लगे असी गए हाँ उत्थे। डॉक्टर साहब नतीजा शतीजा लैके FIR जमा कराइए। उस तो बाद इनकुआरी शुरू हो गई, इनकुआरी तो गए हाँ। इन्हें आख्या जी असी एक बंदा जिहड़ा फायर करन वाला वो ही मौजूद है, दूसरे बंदे मौजूद नहीं हैं। मैं उन्होंने आख्या अगर तुसी मौजूद नहीं आ, उन्हें आख्या असी न्याय देन वास्ते तैयार हाँ। मैं है दिन दहाड़ी का वाकया है, मौजूद ने गवाह सारे मौजूद ने, अल्फन हो इत्थे तेरे कोल इनकुआरी तो कह रहे हैं कि साढ़े सामने फायर किए गए हैं तो ये भी न्याय वाला तो लैंक ही कौन नहीं बनता। फिर भी उन्हें आख्या जी नहीं असी न्याय दें। SHO ने मैं आख्या भाई असी जुलम करने वाले चो नहीं, असी इन्हों का न्याय ही ले लें। उन्हें 2 दिन का सन टाइम दिता, असी पिंड आ गए, इतों असी न्याय लैके गए। वो न्याय जेडे मोतबिर पगबन और मौकिया से मौजूद और बकुए जानन वाले उन्होंने न्याय लैके गए हैं। जाते ही उन्होंने वेखे ने तो उन्हें आख्या असा नहीं न्याय देना। 10 न्याय लैके गए हैं, एक भी नहीं, 10 न्याय, 10 चो एक बंदा इन्हों का न्याय करा दे। इन्ना वेखन तो बगैर, न्याय सुन तो बगैर इन्हें आख्या आसानी न्याय ये कराना। टिल इन्ना कि इन्हें आख्या बंदे खड़े ने ना जेडे पिछे साढ़े जेडे साढ़े नाल आए ने इनकुआरी, इन्हों चु कोई सा न्याय लेना जे तो ले लो, वरना असा न्याय नहीं देना। SHO साहब ने मैं आख्या SHO साहब ये ज्याती है, तुसा आख्या सी असी तुहाडे आखे दे बावजूद आए हाँ और न्याय लैके आए हाँ, ये की कर रहा है? उन्हें आख्या अच्छा मैं इस तरह करना वा, मैं खोजां वाली आ जाता उत्थे मस्जिद दे विच जिहड़ा वो
गल करांगा बह के। उन्हें आख्या जी तुसी न्याश या छड़ो, तुसी तफतीश कर लवो। मैनूं समझ आ गई सी कि अगू तफतीश की होने वाली है। SHO साहब ने नहीं, मैं फिर आ रहा न्या, फिर एक उन्होंने फोन करके आख्या। मैं आख्या अगर वो पार्टी इस चीज़ में रजा मानते कि जेडे साढ़े नाल बंदे सन वो न्या देन, असी उन्होंने ही न्या मान लें, सन बुलाओ। उन्हें आख्या जी कल बुलाने, वो अज कल पे आंदा है, सन किसी नहीं बुलाया। असी अपने घर बैठे हाँ, साढ़े को जमें कोई वाह नहीं गई। फिर असा तुहाडा तरला मीडिया वाले का तरला किया, कम अज कम साड़ी आवाज़ जिन्हें ते असा भी 35-40 साल लुटा छड़े ने वोट देंदे हो, और साडा भी कुछ हक बनता है कि साढ़े ना इन्नी जुलम और ज्यादा अच्छी नहीं है। जे वो सर पर नहीं छड़ना चाहते हो, लेकिन पिंड में आ जाने सामने सामने बह के साड़ियाँ गल्लां सुन लैन। अगर ये सच्चा है तो असी माफ़ी मांग लाते, तो जे अगर ये झूठा है तो इन्हों का फौरन चलान होना चाहिए। और जज साहब अगर भी साड़ी अपील है कि महीना हो गया इस गल, और अजे तीन भी बुरी जमानत उत्ते लगे फिरते हैं। साड़ी उन्होंने अगर भी रिक्वेस्ट है कि नज़रसानी की जाए कि इन्ना लम्मा केस, और ये इनकुआरी मुकदी नहीं पी, महीना हो चला है कि इनकुआरी इतनी लम्मी हो गई है कि जी इतनी दिन दाड़े का वाकया इनकुआरी मुकम्मल ही नहीं हो रही। अच्छा, जी मुखालफ पार्टी है तुहाड़ी, उन्होंने इल्जाम है कि तुम इश्तहारियों को पनाह देंदे हो, तो उन्होंने फैमिली के बंदे भी तुम जड़े ने कतल किए हैं, ये बारे तुहाड़ा की कहना है? अलहमदुलिल्लाह इस तरह का वाकया तो साड़ी जिंदगी में आया ही नहीं। तो असी असल दसा, नसार दियां दो भांजियां मेरे आल ने, और ये मेरा पोतरा है, दोवे फरीक मेरे अपने ने, और ये ते ओदी कदर कर जानदा ही नहीं जिन्नी कि मैं बला नागा ओदी जाके कह लैंदा हाँ। मरण वाली जिहड़ी इन्हां दी भैण जी दे बेटे कुछ गए ने ना, और मेरा चैलेंज सी कि अगर मैंने ओदे कातली लभ जांदे जां दिस पैंदे, मैं पुछना भी नहीं सी। मैं आप इतना दुख सी को इतने साढ़े लाल इतने सोहने गभरू मुड़े जेडे साढ़े को मार के, तो असी उन्हों की पैरवाई करते फिरने, शर्म आनी चाहिए है। इसने इस एक गल करद्या भी इन शर्म आनी चाहिए है, साढ़े उत्ते अटैक लाए इन, इस इन पता है इस चीज़ का, इन पता है कि असी की हाँ। और ए एक चिक्कड़ सट्टन है ना, जिस तरह के चलो चिक्कड़ सट छड़ो इन्होंने, तो इस तरह मेरा भाई नहीं हो सकता। अलहमदुलिल्लाह असी ना कातलों के भाईवाल हाँ, ना कातलों, तो ना ही इंशाल्लाह असी इस बारे सोचने। असी दीनदार हाँ, और नमाज़ा पढ़ने हाँ, और अल्लाह और दीन असी अच्छी तरह समझने कि दीन की है। तो सानू चिक्कड़ ना कोई फर्क नहीं पैंदा कि बंदा चिक्कड़ सड़ छड़ेगा तो असी जिहड़ा सानू कोई हो जाएगा। अलहमदुलिल्लाह सान वो मुड़े तो अगे दस छड़िया कि मेरा तो इन अगे ही जाती तौर पर पता है कि मैं की हाँ, मेरा टब्बर बलादरी या तलक वास्ता सारा ये, अज मैं ये मुखालफ होया, अज इस फैर किए ने, तो मैं इन्हें आख्या कि तू ना हक किया है, तो उस वे मैं दुश्मन, उस वे मैं कातल हो गया। जिस वे कपड़े सिरगट लाए जाते सन, कन्ना सिरगट लाए जाते सन, उस वे मैं इतों फटदा हाँ, वह इंज नहीं, उस वेले मैं कातल नहीं सा, उस वे मैं कातला नहीं सा रखता। ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇ ਚਰੋਕਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਫਦਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸੱਧੂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਫਦਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸੱਧੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਟਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੁਣਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਲਵ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਝੂਠੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਔਰ RPO ਨੂੰ ਜਾਂ DPO ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? RPO ਔਰ DPO ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, इनका मुतालबा है कि जो इनके साथ ज़्यादती की गई है
या इनके जो फायर लगे हैं ये आपके सामने बैठे हैं वो, कि इनकी जो तफ्तीश है वो मेरिट पे की जाए और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। चौधरी बरादरान से भी इनका यही मुतालबा है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। अपने मेज़बान जहांज़ेब अकरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।